नमस्कार देशहित में आप सभी का स्वागत है। देशहित देख रहे हैं आप खबरें वो जिसमें है आपका हित, हमारा हित, हम सभी का हित। मैं हूं सचिन, मैं हूं आपके साथ अमन। आप जानते हैं खबर के पीछे का हित बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित। शुरुआत 20 बड़ी खबरों के साथ। नागरिकता कानून पर सरकार के खिलाफ बटा विपक्ष, कांग्रेस की बैठक में छह दल नहीं पहुंचे, न ममता, मायावती, न उद्धव, अखिलेश और केजरीवाल भी नहीं। कांग्रेस के साथ बैठे विपक्षी दलों का नागरिकता कानून पर विरोध जारी रखने का ऐलान। 23 से 30 जनवरी तक पूरे देश में मनाएंगे संविधान बचाओ दिवस। नागरिकता कानून पर बोली सोनिया गांधी, नफरत फैला रही है केंद्र सरकार, लोगों को बांटने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज, कहा देश का ताना बाना ना तोड़े, हिम्मत है तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के सवालों के जवाब दें। कांग्रेस पर कानून मंत्री रविशंकर का पलटवार, कहा पाकिस्तान को खुश करने के लिए कांग्रेस का सीएए विरोध, सोनिया राहुल को बधाई। विपक्षी बैठक पर कानून मंत्री का निशाना, कहा आप छह पार्टियां पहुंची नहीं, कांग्रेस के साथ कोई नहीं, देश को बरगलाना बंद करें। जेएनयू हिंसा में आयशी घोष समेत 9 आरोपियों से पूछताछ, व्हाट्सएप चैट पर पहचाने गए 37 छात्रों से अगले हफ्ते पूछताछ। जेएनयू हिंसा में नकाबपोश लड़की की पहचान, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलतराम कॉलेज की छात्रा है एक और लड़की कोमल शर्मा का फोन बंद है। जामिया में आज फिर छात्रों का प्रदर्शन, वाइस चांसलर का आरोप बिना इजाजत कैंपस में घुसी थी दिल्ली पुलिस, अदालत में घेरेंगे। दिल्ली में शाहीन बाग के धरने के खिलाफ कल हाईकोर्ट में सुनवाई, सड़क बंद होने से महीने भर से लग रहा है जाम, दाखिल की गई पीआईएल। कश्मीर के बड़गाम में एक और आतंकी का खात्मा, मकान में छिपे दूसरे आतंकी से अब भी जारी मुठभेड़, सेना पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन। निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर को सुनवाई, दो ने लगाई थी याचिका, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जानी है चारों को फांसी। कर्नाटक में जीसस की 114 फीट ऊंची मूर्ति पर विवाद, बीजेपी आरएसएस का कनकपुरा चलो का नारा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जेपी नड्डा 20 जनवरी को बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 19 जनवरी को जमा कर सकते हैं पद के लिए नामांकन। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में लोहड़ी की धूम, आसमान में दिखा पतंगों का रंग।